चमक जो आपकी आंखों में दिख रही है इसका मतलब जीत करारी है। यह बात भोपाल सागर आजाद चौक में रोड शो के दौरान प्रत्याशी अर्जुन लाल जिनगर के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी ने कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखकर कही। जनसभा में चुनाव प्रभारी मनोज कुमार, जिलाध्यक्ष मीठू लाल जाट, उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त, प्रधान हेमेंद्र सिंह राणावत, वरिष्ठ कार्यकर्ता लीलाधर जोशी, बलवंत सिंह ओस्तवाल, जिला परिषद सदस्य कैलाश देवी जाट, पंचायत समिति सदस्य आदि उपस्थित रहे। प्रदेशाध्यक्ष एवं प्रत्याशी जिनगर का भोपाल सागर में जेसीबीओ से पुष्प वर्षा व डीजे की धुन पर कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। जोशी ने सर्वप्रथम श्री करेड़ा पार्श्वनाथ, श्री चारभुजानाथ, बाल मुकुंद जी को माथा टेका। कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया। प्रत्याशी जिनगर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि पन्ना प्रमुख एक एक मतदाता को पोलिंग बूथ पर ले जाकर कमल के बटन पर मतदान करवाएं। जिनगर ने रुझान बताते हुए कहा है कि भाजपा के पक्ष में 95% आ रहे हैं। उनके ऊपर विरोध के बारे में उन्होंने कहा है कि मेरा विरोध जो हो रहा है वह एक सोची समझी चाल है। ये मैनेज किए हुए आदमी हैं जो मेरे जनसंपर्क में विरोध वाली बात कर रहे हैं। उन्होंने भोपाल सागर कपासन फीडर को साफ करवाने के लिए 1 लाख सफाई के जेब से दिए हैं और पानी भोपाल सागर कपासन फीडर में आया लेकिन उसके बाद पानी बंद हो जाने से फिर पानी रुक गया। जिनगर ने भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा है कि अगर आप मेरे को जिताकर जयपुर भेजते हो तो मैं 1 साल के अंदर अंदर कपासन भोपाल सागर के किसानों को बनास एवं मात्र कुंडिया बांध का पानी मुहैया करवाऊंगा और जब तक यह काम नहीं हो जाता है मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा। प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि 2018 में ऐसी सरकार आ गई जिस पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं जिसमें से कर्जा माफी, वादा खिलाफी, बलात्कार, पेपर लीक, जालसाजी, ठगी, भ्रष्टाचार, साइबर क्राइम, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, महिला अपराध, दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, बेरोजगार युवाओं को भत्ता नहीं दिया जाना आदि इस सरकार ने किया है। प्रियंका गांधी के चित्तौड़गढ़ दौरे को लेकर भी जोशी ने प्रियंका पर तंज कसा। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, जिस प्रकार से मोदी जी ने इस देश का नाम किया और राजस्थान में भी हमारा मुख्यमंत्री बने और वो मुख्यमंत्री कौन बने? छिप्पी जोशी। मैं चाहता हूं हमारे को ये दायित्व मिले, पूरे राजस्थान का दायित्व भी मिला हुआ है, आगे भी दायित्व नहीं कर पाए मोदी जी ने 9.5 वर्ष में करके बता दिया। इस पंचायत का भी उदाहरण लेके देख लो आप, यहाँ 60 साल में जितने आवास नहीं आए होंगे, 60 साल में जितने जनधन के खाते नहीं खुले होंगे, 60 साल में जितने राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाओगे, मोदी जी का संदेश कर कर भेजोगे, 25 तारीख तक घर हर घर तक जाओगे, तो उठाओ दोनों हाथ और संकल्प लो कि हम 25 तारीख तक हर घर तक जाने का संकल्प लेते हैं। तैयार है? जय घोष करो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय जय श्री। बहुत धन्यवाद।